तो मैं अभी आपको अपना पुराना वाला घर दिखा रही हूँ, जिसके अंदर सिर्फ हम आज रहने वाले हैं, मतलब ये हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सो सभी की सुबह बहुत ही अच्छी जा रही हो। मेरे को आज आपको एक चीज़ बतानी है कि यही कि ये जो घर है ना, ये जिसमें हम रहते हैं, ये आज हमारा इसमें लास्ट डे है, मतलब ऐसे रहने का, क्योंकि कल तो पैकिंग होगा और कल जैसे ही पैक सब कुछ हो जाएगा वैसे हम निकल जाएंगे। मतलब आज के दिन ही हम यहाँ पर लास्ट रहेंगे, लास्ट खाना खाएंगे, लास्ट सोएंगे। वो तो हाँ यही है। तो ये वो वाला घर है जिसमें हम मतलब अभी रह रहे हैं और कल शिफ्ट कर लेंगे, मतलब लास्ट डे हमारा आज। तो ये वही वो वाला जो मैंने पेंट करा था और इसका सेटिंग अभी भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये है लिविंग एरिया। इस वॉल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जब मैंने यहाँ पेंट वेंट किया था, ठीक है। और ये कैरम, जब हम कैरम खेल रहे थे लाइट गई थी तब। ये है किचन। ये काफ़ी बार व्लॉग में आया होगा पर प्रॉपर आपने कभी देखा नहीं होगा, इस तरह का ये दिखता है। ये भी वॉल थोड़ा सा पेंट किया था बट इसका पोस्टर निकल गया। और ये किरंदी जो हमेशा मतलब साथ ही रहेगी, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर किरंदी का स्टूडियो भी होता है। ये जो ये टेबल है ये इतने मेस्ड अप नहीं होती हमेशा, इसी पर खाना भी खाते हैं। ये स्टूडियो है और इसी के जस्ट पीछे बेड जहाँ पर हम सोते हैं, और यहाँ पर बैठ कर दी वीडियो बनाती है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ से। तो इस घर में जो एक प्रॉपर रूम है वो यही है, ये वाला मिरर, बालकनी, ये सब आपने देखा होगा पर प्रॉपर तरीके से अभी आप इसको देख रहे हो। और ये इसकी बालकनी। तो ये पूरा घर है जिसके अंदर आज हम रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस जगह को मैसेज करूँगी कुछ इस तरह से, क्योंकि इतना अटैचमेंट हुआ ही नहीं मुझे इससे, अभी इतना टाइम मुझे लगा ही नहीं यहाँ पर। पर हाँ, यहाँ से मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी और यहाँ पर ही सारे प्लेसमेंट्स हुए थे, मतलब बहुत सारी वीडियो इसी घर से बनी है। तो ये जगह ऑब्वियसली मुझे याद तो ज़रूर रहेगी। तो आज लास्ट डे है इसलिए हम विशाल मेगा मार्ट भी जा रहे हैं। मैं पहले विशाल मेगा मार्ट कभी नहीं गई। नहीं, एक बार गई थी जब मैं यहाँ विंटर्स में आई थी, शायद वही विशाल मेगा मार्ट है। मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ पर बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि अभी वीडियो अपलोड करा था ना, इसलिए तो मेरे फेस पे दिखेगा नहीं वो एक्साइटमेंट। बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए, क्योंकि मैं देखो काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि चलो ना विशाल मेगा मार्ट चलते हैं, विशाल मेगा मार्ट चलते हैं, क्योंकि मुझे वो देखना है। किरण ने काफ़ी बोला हुआ है कि यहाँ का विशाल मेगा मार्ट अच्छा दिखता है। फाइनली हम लोग विशाल मेगा मार्ट में पहुँच चुके हैं और किरण दी अपने लिए कुछ कुछ सामान देख रही है। मुझे भी अब तक समझ में नहीं आया क्या देख रही है किरण दी, क्या देख रही है तू? बस कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी ठीक सा मिल जाएगा, मतलब इन जनरल कोई पर्पस नहीं है, ऐसे कुछ अच्छा मिल गया तो ले लेगी। तो गर्ल्स सेक्शन में से तो किरण दी को कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए हम बॉयज़ सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या अच्छा मिलता है। तो ये बॉयज सेक्शन है और किरण ने यहाँ से टी शर्ट्स देख ली अपने लिए। एक तो ये ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ एसी वगैरह कुछ नहीं है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पर। अभी कुछ समझ में आ रहा है तेरे को? देखा फेथ एंड फियर। हाँ, फेथ इज बेटर देन फियर। तो जितना भी किरणी को अभी पसंद आ रहा था ना टी शर्ट, वो एक तो टी शर्ट जो उस पर क्या लिखा हुआ है उसको देख के पसंद कर रही, पर उसके साइज़ का मिल नहीं रहा, सब कुछ स्मॉल स्मॉल में है, वो ढूंढ ही रही है। तो अभी तक तो कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो जो अच्छे भी थे उनके साइज़ बहुत ही छोटे थे, इसलिए जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे वाला चादर ओढ़ने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि एसी एक ही है और अभी जो मैं चादर ओढ़ती हूँ काफ़ी मोटा है। सेम साइज की है। ओह शिट, पैसे डाले हैं तो उस वहाँ पर देख, वहाँ पर देख कितने थे? 2002 से चम्मच गिर गया इधर कहीं, देख यहाँ नहीं है, यहाँ इसमें देख, इसमें टोकरी में देख, टोकरी में देख। पागल किरण दी, मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ? मैंने देखो पहले बोला था टोकरी लेके आ, तो मेरे को नहीं पता था अपन सामान लेंगे। तो वापस जा रहे हैं बिलिंग के लिए, सब जो लेना था वो ले लिया। किरणी का टी शर्ट नहीं मिला बस, क्योंकि साइज नहीं था। तो फाइनली सारा सामान तो ले लिया,
अब बस घर की तरफ जाना है। पीछे वाले रूम में तो दी वीडियो बना रही है, इसलिए मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। तो पैकिंग का काम अभी से स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है, मेकअप वगैरह, तो ये मैं इस बॉक्स में जमा रही हूँ। जो मतलब ऐसे छोटे छोटे इम्पोर्टेंट कांच की बॉटल जैसे प्रोडक्ट है, जैसे कि ये वाली बॉटल कांच की है, इस तरह के प्रोडक्ट्स, तो इन्हें हम खुद ही पैक कर रहे हैं। तो ये मेकअप और ये जितना भी ऐसा सामान होता है ना, कॉम वॉम, वो तो सब मैंने इसमें पैक कर दिया। ऑल डन। जो नेक्स्ट टर्न है वो है मेडिकल वाला सामान होता है ना वो रखने का, तो वो आएगा इस वाले बॉक्स में। ऑलरेडी ये मेडिकल का ही बॉक्स है, तो सारा सामान अभी इसमें समेट के रखना है। मेडिकल का बॉक्स भी प्रिपेयर हो गया, ऑल डन। तो अभी 2:30 हो गया और घर की हालत हो गई है एकदम खराब। और घर की हालत अभी कुछ इस तरह की है कि पूरा घर फैला हुआ है। कुछ कुछ सामान पैक कर दिए ऑलरेडी, जो लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है ये उन लोगों से नहीं करवाना, ऑलरेडी पैक कर दिए। तो ये मेरा बैग है, लैपटॉप बैग, एक यही है, और एक और बैग है मेरे पास, ये वाला, सिर्फ ये वाला बैग छोटा सा है। तो सिर्फ इतना सा सामान मेरे पास था और वो मैंने अपना तो पैक कर लिया पहले ही, क्योंकि सामान था ही नहीं मेरे पास ज़्यादा यहाँ। और ये इस घर में मेरा लास्ट ब्लॉक होगा। ये दीवारें, ये इस तरह का पेंट, इस तरह का कुछ, ये सब कुछ लास्ट देखने को मिलेगा आपको। अभी 3 बज गए और अभी मैंने अपना बेड लगा दिया सोने के लिए।